फ्रेंड्स, वेलकम और वेलकम बैक टू फिजियो स्कूल। ओके, सो आज हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उससे स्टार्ट करेंगे, बायोमैकेनिक्स की सीरीज में, जो है मोमेंटम एंड एंगल ऑफ एप्लीकेशन। ओके, तो अब ऑब्वियस सी बात है, मोमेंटम और एंगल ऑफ एप्लीकेशन के बारे में पढ़ना है, तो सबसे पहले तो मोमेंटम और एंगल ऑफ एप्लीकेशन क्या होता है हम वो देखेंगे, राइट? तो मोमेंटम के बारे में तो आपको पास वीडियोस में पता चल ही गया होगा। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज बायोमैकेनिक्स की सीरीज में जाके पहले की वीडियोस देख लीजिए, ठीक है? उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई ऑब्जेक्ट है, अगर उसके ऊपर कोई फोर्स लग रही है, ठीक है, अगर उसके ऊपर कोई फोर्स लग रही है, वो फोर्स अगर ऐसी है जो उसका ट्रांसलेशन करवाती है, मतलब एक लाइन में मूवमेंट करवाती है, ठीक है, तो उसे हम फोर्स कहते हैं। पर अगर वो फोर्स किसी का रोटेशन करवा रही है तो उस रोटेशन की स्ट्रेंथ को हम टॉर्क कहते हैं, मतलब कितनी तेजी से, कितनी जोर से उसका रोटेशन होगा, उससे हम टॉर्क कहते हैं। और टॉर्क का प्रोड्यूस होता है जब दो पैरेलल फोर्सेस, मतलब दो फोर्सेस जो एक दूसरे के पैरेलल है, एक दूसरे के ऑपोजिट है, मतलब ये ऊपर लग रही है तो ये नीचे लग रही है, और एक ही ऑब्जेक्ट के ऊपर लगती है तो उसकी वजह से रोटेशन होता है उस ऑब्जेक्ट का, और इसकी वजह से प्रोड्यूस होता है उसके अंदर टॉर्क, ठीक है? तो टॉर्क की फॉर्मूला हमें पता है क्या थी, टॉर्क इक्वल्स टू, टॉर्क हमने देखा था कि क्या होता था, टॉर्क इक्वल्स टू मोमेंट आर्म इंटू फोर्स, ठीक है? तो फोर्स तो हमारे पास है, ये जो दो फोर्स हमारे को लग रही हैं, जिसको हम कहते हैं फोर्स कपल, ये जो मैंने अभी समझाया ना, तो पैरेलल फोर्सेस जो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, एक ही ऑब्जेक्ट पे लगती हैं, ऑपोजिट इन डायरेक्शन होती है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड होती हैं, उसे फोर्स कपल कहते हैं। ये रिविजन है, हमने ये पहले पढ़ा है, ठीक है? तो उसमें से किसी एक का वैल्यू, अगर सपोज दोनों 5 न्यूटन की ही होंगी इक्वल इन मैग्नीट्यूड, तो 5 इंटू मोमेंट आर्म, मतलब ये जो दो पैरेलल फोर्सेस हैं, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, कौन सा डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ऐसे नहीं कि आप ये वाला डिस्टेंस ले लिया, सपोज ये दो फोर्सेस रख ली मैंने यहाँ पे, अगर ये दोनों फोर्सेस को मैंने ऐसे रख दिया, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब ये डिस्टेंस, ये ऐसे डिस्टेंस नहीं, ये परपेंडिकुलर नहीं है ये डिस्टेंस इन दोनों के, परपेंडिकुलर मतलब ये डिस्टेंस, तो उससे हम कहते हैं मोमेंटम। और फॉर एग्जाम्पल, कोई ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर ऑब्जेक्ट एक पॉइंट पे रिस्ट्रेंड है, मतलब उसी पॉइंट पे वो फोर्स जो है उस पॉइंट से उस ऑब्जेक्ट को हिला नहीं रही है, बस रोटेशन करवा रही है, ठीक है? तो उस टाइम पे मोमेंटम क्या होगा, मोमेंटम इज इक्वल टू वो फोर्स का डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस उस पॉइंट ऑफ कॉन्स्ट्रेंट से, मतलब उस एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो डिस्टेंस होगा परपेंडिकुलर, उसे हम मोमेंटम कहेंगे। ये हमारा मोमेंटम का रिविजन हो गया, आप पास वीडियोज में देख लीजिएगा कि मोमेंटम और ये टॉर्क और क्या है, ठीक है? और सेकेंड जो हमारी टर्मिनोलॉजी है वो है एंगल ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है? तो एंगल ऑफ एप्लीकेशन की डेफिनेशन हम बोले तो एंगल ऑफ एप्लीकेशन इज एंगल फॉर्म बिटवीन द फोर्स एंड द सेगमेंट ऑन विच इट इज प्रोड्यूस्ड ऑन द साइड ऑफ द जॉइंट एक्सिस। घबराए मत, अभी समझाती हूँ, ठीक है? सपोज कीजिए ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ओके? अब इसके ऊपर कोई फोर्स लग रही है जिसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट ये पॉइंट के अराउंड ऐसे रोटेट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इस पे ये ऐसे फोर्स लग रही है, ठीक है? ये हमारी फोर्स हो गई। तो जो एंगल ऑफ एप्लीकेशन क्या होगा, वो एंगल ऑफ एप्लीकेशन होगा एंगल फॉर्म बिटवीन द फोर्स एंड द ऑब्जेक्ट ऑन विच इट इज अप्लाइड, ठीक है? तो मतलब ये एंगल हो गया, ये इसके बीच में जो एंगल बन रहा है वो। अब आप पूछोगे भाई ये साइड का एंगल कि ये साइड का एंगल, अगर आपने ऐसा सोचा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर ऐसा नहीं क्वेश्चन दिमाग में आया तो थोड़ा क्रिएटिव बनिए, सोचिए, ठीक है? तो कौन सा साइड का एंगल, ये साइड का कि ये साइड का? तो अभी डेफिनेशन जो बोली थी उसमें लास्ट पॉइंट था ऑन द साइड ऑफ जॉइंट एक्सिस, मतलब जिस एक्सिस के अराउंड ये ऑब्जेक्ट पूरा रोटेट करेगा, इस एक्सिस के अराउंड ये ऑब्जेक्ट रोटेट करे, उस साइड जो एंगल बनेगा वो हमारा होगा एंगल ऑफ एप्लीकेशन। मतलब इस एग्जाम्पल में हमारा ये साइड का जो होगा वो होगा एंगल ऑफ एप्लीकेशन, ये साइड का नहीं होगा, ठीक है? तो दो टर्मिनोलॉजी समझ आ गई, एक तो मोमेंटम और दूसरा एंगल ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है? तो एंगल ऑफ एप्लीकेशन और मोमेंट आर्म के बीच में अब रिलेशन होगा कुछ, इसलिए ये टॉपिक रखा है सिलेबस में, ठीक है? तो इसके बीच में रिलेशन क्या है वो देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज कीजिए हमारे पास ये एक एग्जाम्पल है, ये तीन ब्लॉक ले रहे हैं हम, तीनों ब्लॉक सेम है, ये तीन ब्लॉक है,
तीनों ब्लॉक पे एक ही सेम पॉइंट के ऊपर, एक ही सेम पॉइंट पे तीन डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन है, ब्लॉक सेम है पर अलग अलग कंडीशन है। क्या हो रहा है, एक फोर्स ऐसे लग रही है, फिर उसी ब्लॉक पे वो फोर्स ऐसे लगने लगी, फिर उसी ब्लॉक पे वो फोर्स ऐसे लगने लगी, ठीक है। उसकी वजह से ये जो ब्लॉक है इस पॉइंट के अराउंड रोटेट करने लगा, ठीक है। ये पॉइंट के अराउंड, सपोज ये हमारा ब्लॉक है, पहले फोर्स ऐसे लग रही थी, फिर फोर्स ऐसे लगी, फिर फोर्स ऐसे लगी, तो उसकी वजह से ये ब्लॉक डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में, एक ही डायरेक्शन में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से रोटेट करने लगा, ठीक है। और दूसरी चीज ये कि तीनों की फोर्स का वैल्यू सेम है, 5 न्यूटन 5 न्यूटन 5 न्यूटन, ठीक है। अब इस तीनों कंडीशन में डिफरेंट क्या है, डिफरेंट है हमारा टॉर्क। टॉर्क तीनों कंडीशन में डिफरेंट होगा, क्यों? क्योंकि टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू मोमेंटम। अभी मैंने कहा कि फोर्स तो सेम है, तो फिर अलग क्या होगा, मोमेंटम, जिसकी वजह से ये तीनों का टॉर्क अलग हो रहा है, क्योंकि हम फोर्स भी सेम लगा रहे हैं, पॉइंट पे भी सेम लगा रहे हैं, डायरेक्शन अलग है और मोमेंटम अलग है, उसकी वजह से पूरा टॉर्क अलग है, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले तो हम इसमें देखते हैं कि हमारा एंगल ऑफ एप्लीकेशन क्या होगा और मोमेंटम क्या होगा। एंगल ऑफ एप्लीकेशन क्या था, अगेन रिमेम्बर, द एंगल फॉर्म बिटवीन द फोर्स एंड द सेगमेंट ऑन विच इट इज अप्लाइड एट द साइड ऑफ द जॉइंट एक्सिस, जिस एक्सिस के अराउंड वो रोटेट करेगा। तो इस वाली कंडीशन में हमारा होगा ये एंगल ऑफ एप्लीकेशन, इस कंडीशन में हमारा होगा ये एंगल ऑफ एप्लीकेशन, और इस कंडीशन में हमारा होगा ये एंगल ऑफ एप्लीकेशन। तीनों कंडीशन में एंगल ऑफ एप्लीकेशन आ गया, ठीक है। और ये हमने हमारी एक्सिस, सॉरी ऊपर ड्रॉ कर देते हैं तीनों की एक्सिस ताकि हमें ज्यादा आसानी हो, ये एक्सिस के अराउंड ये मूव कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। अब हम देखेंगे मोमेंटम। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया मोमेंटम इज द परपेंडिकुलर एंगल बिटवीन द फोर्स एंड द एक्सिस अराउंड विच इट इज रोटेटिंग, ठीक है। तो अब इस फिगर में हमारा मोमेंटम क्या होगा बताइए, ये वाली फिगर में। अब आप बोल दो कि ये मोमेंटम है, नहीं, मैंने कहा था परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ पे परपेंडिकुलर बना रहा है, नहीं ये परपेंडिकुलर नहीं बना रहा है, ये तो कोई और ही एंगल बन रहा है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए उन दोनों के बीच में, तो वो कहाँ पे मिलेगा हमें, एक मिनट इसको जरा हम फिर से रीड्रॉ कर ले। ओके, तो हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब ये पॉइंट से लेके यहां से अगर हम ड्रॉ करेंगे तो जाके ये हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिलेगा, ठीक है। तो ये जो हमारी एग्जांपल हो गई, इधर हमारा मोमेंटम हो गया ये, अब इधर हम यहां से सीधा ड्रॉ कर देंगे लाइन तो ये तो ऑलरेडी परपेंडिकुलर ही बन रही है, तो ये हमारा मोमेंटम हो गया यहाँ पे ये। अब ये वाले पॉइंट को मैं कहां ले जाऊं, यहां पे ले जा रही हूं तो कुछ बन ही नहीं रहा है, ये दोनों तो ज्वाइन ही नहीं कर रहे हैं कुछ, और परपेंडिकुलर तो बनेगा ही नहीं, तो परपेंडिकुलर करने के क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा एक्सटेंड कर देंगे नीचे, हम वेक्टर्स को एक्सटेंड कर सकते हैं, हमने पढ़ा था जब हमें कुछ रिलेशंस फाइंड करने हो, तो इसको एक्सटेंड करके ये जो डिस्टेंस हो गया ये हमारा मोमेंटम हो गया, क्योंकि ये देखो अगेन परपेंडिकुलर बना रहा है। एट द एंड ऑफ द डे आपको ये परपेंडिकुलर जो बन रहा है इसको ध्यान देना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होता है किसके बीच में, फोर्स के बीच में और एक्सिस ऑफ रोटेशन के बीच में, उसको हम कहते हैं मोमेंटम। तो तीनों में आपने क्या देखा, तीनों में एंगल बदल रहा है, फोर्स का एंगल ऑफ एप्लीकेशन जो हमारा एंगल ऑफ एप्लीकेशन है अगर वो तीनों में बदल रहा है, यहाँ पे ऐसा ये था, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, तो एंगल ऑफ एप्लीकेशन बदल रहा है, उसके साथ साथ मोमेंटम की लेंथ भी बदल रही है। देखिए यहाँ पे मोमेंटम इतना लंबा है, यहाँ पे इतना और यहाँ पे इतना, ठीक है। तो क्या समझ आया कि जब जब एंगल ऑफ एप्लीकेशन बदलेगा तब तब मोमेंट आर्म भी बदलेगा, ठीक है। उसकी वजह से क्या बदलेगा, एट द एंड ऑफ द टाइम हमारा टॉर्क, अगर फोर्स फिक्स्ड है और मोमेंट आर्म बदल रहा है तो टॉर्क बदलेगा। मतलब तीनों कंडीशन में टॉर्क अलग क्यों है, क्योंकि एक तो एंगल ऑफ एप्लीकेशन बदल रहा है फोर्स का, और सेकेंड उसकी वजह से मोमेंट आर्म बदल रहा है, तो पूरा इक्वेशन ही बदल रहा है टॉर्क का, समझ गए। चलिए तो एट द एंड इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट मैसेज है ये वाले पॉइंट से हमें ये देखना है, सपोज कीजिए ये देखिए एंगल ऑफ एप्लीकेशन जो यहाँ बन रहा है वो कितना है, लेस देन 90 डिग्री लग रहा है, सपोज करिए 90 डिग्री रेफरेंस लिया, यहां जो बन रहा है इज इक्वल टू 90 डिग्री है,
और ये वाला एंगल ऑब्ट्यूज एंगल है, ये मोर देन 90 डिग्री हो गया। एक्यूट राइट एंगल ऑब्ट्यूज, तीन कंडीशन हो गई। तो अब आपको क्या याद रखना है कि जब भी एंगल ऑफ एप्लीकेशन 90 डिग्री होगा, मतलब जब भी कोई फोर्स किसी सेगमेंट के परपेंडिकुलर लगेगी, उस टाइम पे मोमेंट आर्म सबसे मैक्सिमम होगा। फिगर में देखिए, यहाँ मोमेंट आर्म इतना बड़ा है, यहाँ इतना है, और सबसे लंबा मोमेंट आर्म इस फिगर में है, जबकि यहाँ पे एंगल 90 से ज्यादा है, पर मोमेंट आर्म 90 = 90 में जितना है उससे कम है। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर एंगल भी बढ़ता गया तो मोमेंट आर्म बढ़ता रहेगा। वो कब तक होगा? 0 से लेकर 90 तक होगा। 0 से लेकर 90 तक जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा, तब उसके साथ साथ मोमेंट आर्म भी उतना बढ़ेगा। फिर 90 से 180 जाओगे तो उल्टा होगा, मोमेंटम घटता जाएगा। समझ गए? तो जब भी कोई फोर्स किसी ऑब्जेक्ट के परपेंडिकुलर लगेगी, जब भी वो किसी के ऑब्जेक्ट के परपेंडिकुलर लगेगी, मतलब उसके राइट एंगल पे लगेगी, उस टाइम पे मोमेंटम सबसे मैक्सिमम होगा। इन शॉर्ट, उस टाइम पे टॉर्क सबसे मैक्सिमम प्रोड्यूस होगा। और जब भी फोर्स उसके पैरेलल, मतलब 90 डिग्री से कम या ज्यादा पे लगेगी, ऑब्जेक्ट के पैरेलल होने लग जाएगी धीरे धीरे, तब मोमेंट आर्म सबसे कम हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस सबसे कम हो जाएगा, उसकी वजह से टॉर्क भी कम हो जाएगा। ठीक है, अगर ये डिफरेंस समझ आ गया मोमेंट आर्म और एंगल ऑफ एप्लीकेशन के बीच में। एंगल ऑफ एप्लीकेशन जब 90 डिग्री होगा तब मोमेंट आर्म सबसे मैक्सिमम होगा, उसकी वजह से टॉर्क सबसे ज्यादा मैक्सिमम प्रोड्यूस होगा। टॉर्क मैक्सिमम प्रोड्यूस हो रहा है तो मतलब उसका क्या रीजन है, वो हम आगे के सेक्शन में पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा। अभी फिलहाल आप इतना याद रखिए, व्हेन एंगल ऑफ एप्लीकेशन इज इक्वल टू 90 डिग्री, मोमेंट आर्म इज मैक्सिमम, एंड व्हेन द फोर्स स्टार्ट बिकमिंग पैरेलल टू द सेगमेंट टू विच इट इज अप्लाइड, द मोमेंट आर्म स्टार्ट डिक्रीजिंग, बिकॉज ऑफ विच द टॉर्क स्टार्ट डिक्रीजिंग। ओके, चलिए, तो ये तो हमारा एंगल ऑफ एप्लीकेशन और मोमेंट आर्म के बीच का वो हो गया। चलिए, अब हमारा एक और इसमें इन्होंने सेगमेंट समझाया है, एक्सटर्नल फोर्सेस और इंटरनल फोर्सेस के बीच का डिफरेंस। ठीक है, तो हमारे पास दो फोर्सेस आते हैं, हमने देखे हैं पास वीडियोस में, एक्सटर्नल फोर्सेस और इंटरनल फोर्सेस। एक्सटर्नल फोर्सेस वो होती है जो बाहर से लगती है, ग्रेविटेशनल फोर्स, रेजिस्टेड फोर्सेस, उनको एक्सटर्नल फोर्सेस कहते हैं। और इंटरनल फोर्सेस मतलब जो बॉडी के अंदर के थ्रू लगती है, मसल फोर्स हो गए, कैप्सूल की फोर्स हो गई, जॉइंट रिएक्शन फोर्स हो गई। ठीक है, तो अभी हम एक्सटर्नल फोर्स और इंटरनल फोर्स, ये दो फोर्सेस का डिफरेंस अभी देखने जा रहे हैं। ठीक है, ये हमारी एक्सटर्नल फोर्स होगी और ये हमारी इंटरनल फोर्स का। ठीक है, तो उसके लिए एक एग्जांपल हम देखेंगे। सपोज कीजिए हम तीन सेगमेंट बनाते हैं, फोरआर्म, हैंड और आर्म सेगमेंट। तो मैं बना देती हूँ, ये देखिए, ये हमारा, मैंने एक डायग्रामेटिक व्यू बनाया है आर्म और फोरआर्म हैंड सेगमेंट का। आप थोड़ा विजुलाइज कीजिए, ये वाली फोटो देखेंगे तो आपको समझ आएगा। देखिए, इसका मतलब ये है कि ये फोरआर्म है, फोरआर्म हैंड और ये आर्म सेगमेंट का, मैंने ये एज अ डायग्रामेटिक व्यू बनाया है। ठीक है, उसके ऊपर हम तीनों चीजें देखेंगे। चलिए, तो ये हो गया हमारा आर्म और ये पूरा है फोरआर्म और हैंड, इसमें सब कुछ आ गया, और ये बीच में हो गई हमारी एल्बो जॉइंट। ठीक है, अगेन सिमिलर वे। ठीक है, चलिए, तो अब हमें समझना क्या है। सबसे पहले तो हम एक्सटर्नल फोर्स की बात कर लेते हैं। एक्सटर्नल फोर्स में हम कौन सी फोर्स लेते हैं जो हमारे बॉडी पे हमेशा से लगती आ रही है, हर टाइम लगती आ रही है? ग्रेविटी की फोर्स। तो सपोज कीजिए ये फोरआर्म हैंड सेगमेंट के ऊपर, यहाँ इसका सेंटर ऑफ मास है, इसके ऊपर एक ग्रेविटी की फोर्स लग रही है। ये इसका सेंटर ऑफ मास है, इस पे ग्रेविटी की फोर्स लग रही है, सेंटर ऑफ मास है, ग्रेविटी की फोर्स लग रही है। ठीक है, चलिए, तो अब हमें डिफरेंस क्या देखना है वो देखिए कि जो हमारा फोरआर्म हैंड सेगमेंट है उसमें, एक मिनट, ये थोड़ा जॉइंट एक्सिस थोड़ा ठीक से बना दूं मैं। हाँ, चलिए, तो अब एक्सटर्नल फोर्स में क्या देखना है, सब अब सबसे पहले तो सब में एंगल ऑफ एप्लीकेशन देखते हैं। तो ये जो ग्रेविटी की फोर्स है वो हमेशा कहाँ लगती है? सेंटर ऑफ मास पे लगती है किसी भी ऑब्जेक्ट के, ये हमें पता है। तो और हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगती है और हमेशा उस मास के कॉन्स्टेंट रहती है जब तक आप उस बॉडी का मास आगे पीछे ना कर दो। मतलब सपोज कीजिए ये तीनों एग्जाम्पल में ग्रेविटी की फोर्स कॉन्स्टेंट है। क्यों? क्योंकि फोरआर्म हैंड का
जो मास था वो यहाँ पे भी 4 kg था, यहाँ पे भी 4 kg था, यहाँ पे भी 4 kg था, अंटिल एंड अनलेस आप उसके हाथ काट दो उस इंसान के, या फिर उसके हाथ में कोई और ऑब्जेक्ट पकड़ा दो तो उसका मास बदल जाएगा, उसकी वजह से ग्रेविटी की फोर्स की वैल्यू बदल जाएगी। पर इस टाइम पे तीनों का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, मतलब कहाँ पे फोर्स लग रही है, वो तीनों पे सेम है, क्योंकि तीनों का सेंटर ऑफ मास सेम है, क्योंकि तीनों का मास सेम है, ठीक है। अब फोर्स तीनों में सेम ग्रेविटी की लग रही है, पर तो भी तीनों में टॉर्क अलग लग रहा है, क्यों? अगेन हम देखेंगे टॉर्क की फॉर्मूला क्या थी, टी टाउ इज इक्वल टू फोर्स इंटू मोमेंट आर्म। तो अगेन हमारे पास फोर्स तो ग्रेविटी की सेम लग रही है, तो बदल क्या रहा है, मोमेंट आर्म। तो मोमेंट आर्म बदल क्यों रहा है वो देखते हैं। अब हम देखेंगे एंगल ऑफ एप्लीकेशन क्या हो रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं एंगल ऑफ एप्लीकेशन ये है, यहाँ पे देखें तो एंगल ऑफ एप्लीकेशन ये है, यहाँ पे देखें तो एंगल ऑफ एप्लीकेशन ये है। याद रखा, याद है ना आपको, एंगल ऑफ एप्लीकेशन हमेशा जॉइंट एक्सिस के साइड बनता है, इस साइड, ठीक है। अब एंगल ऑफ एप्लीकेशन चेंज होगा तो उसकी वजह से क्या चेंज होगा, मोमेंट आर्म, एग्जैक्टली। तो अब सबके मोमेंट आर्म अगर हम देखें तो इसको थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं, तो ये हमारा मोमेंट आर्म हो गया, क्योंकि हमको परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। अगेन रिमेंबर, आप ये डिस्टेंस नहीं इसका मोमेंट आर्म गिनोगे, ये गलत है, ये मोमेंट आर्म नहीं होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है। इसका मोमेंट आर्म देखने के लिए थोड़ा एक्सटेंड कर दिया, ये हो गया इसका मोमेंट आर्म सबसे मैक्सिमम, इसका मोमेंट आर्म ये हो गया, ठीक है। तो फिगर से ही आपको पता चले सबसे बड़ा मोमेंट आर्म इसका है, क्यों? क्योंकि इसका एंगल ऑफ एप्लीकेशन यहाँ कितना है, 90 डिग्री। अभी पढ़ा था जहां 90 डिग्री होगा वहां का मोमेंट आर्म सबसे बड़ा होगा, उसके ऊपर नीचे वाले एंगल्स में मोमेंट आर्म कम होगा कंपैरेटिवली, ठीक है। तो अब एंगल ऑफ एप्लीकेशन तीनों में अलग है, उसकी वजह से तीनों का मोमेंट आर्म अलग है, उसकी वजह से तीनों में टॉर्क अलग प्रोड्यूस हो रहा है, समझ आ गए। ऐसे ही रेजिस्टेंस का ग्रेविटी के ऊपर ऐसे ही इफेक्ट, अलग अलग पोजिशन में अलग अलग टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, उसकी वजह से अलग अलग फोर्स मसल को लगानी पड़ेगी, ठीक है। अब इंटरनल फोर्स की बात करें, इस वाले एग्जांपल पे आ जाइए। फॉर एग्जांपल ये एल्बो जॉइंट, अगेन सेम चीज, आर्म फोरआर्म और हैंड, और ये बीच में हमारे डॉट्स हो गए हमारे एल्बो जॉइंट। अब यहाँ पे हम सपोज बात करें कि यहाँ पे हमारी जो बाइसेप्स की मसल है वो हमें ऊपर की तरफ खींच के हमारे एल्बो को फ्लेक्शन मिल जा रही है, तो बाइसेप्स की मसल का हम ऐसे बना देंगे वेक्टर ऊपर की डायरेक्शन में, इसी पॉइंट पे ऊपर की डायरेक्शन में, इसी पॉइंट पे ऊपर की डायरेक्शन में, ठीक है। चलिए सॉरी, ये थोड़ा दूर बनाना पड़ेगा ताकि समझ आए, या इसी पोजीशन पे, ठीक है। अब आप बोले कि मैम आपने इस पॉइंट से क्यों बनाया, क्योंकि हमें पता है इंटरनल फोर्स कहाँ लगेगी, जिस पॉइंट पे उस मसल कैप्सूल लिगामेंट का अटैचमेंट होगा। तो बाइसेप्स ब्रेकर फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पे अटैच हो रही है, तो तीनों पोजीशन पे इसी पॉइंट पे फोर्स लगने वाली है, अनलाइक ग्रेविटी। ग्रेविटी की फोर्स किस पे लगेगी, जहां पे उस ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास होगा, ठीक है। अब क्या देखना है, अब अगेन हम ये सोचते हैं कि तीनों में जो फोर्स है वो इक्वल लग रही है, ठीक है। तीनों में फोर्स की वैल्यू सपोज अगेन कर देते 5 न्यूटन लग रही है, मसल जो हमारा बाइसेप्स ब्रेकर है तीनों में 5 न्यूटन फोर्स लगा रहा है, ओके। बट अगेन क्या है, तीनों में जो टॉर्क है वो डिफरेंट प्रोड्यूस हो रहा है, क्यों? वही सेम रीजन, फोर्स सेम है पर टॉर्क डिफरेंट प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे मोमेंटम डिफरेंट है। तो मोमेंटम डिफरेंट क्यों है, पहले तो एंगल ऑफ एप्लीकेशन देख लेंगे। यहाँ पे एंगल ऑफ एप्लीकेशन ये है, यहाँ पे एंगल ऑफ एप्लीकेशन ये है, यहाँ पे एंगल ऑफ एप्लीकेशन ये है, तीनों में एंगल ऑफ एप्लीकेशन डिफरेंट है। अब एंगल ऑफ एप्लीकेशन डिफरेंट होगा तो मोमेंटम भी डिफरेंट होगा, तो यहाँ हमारा मोमेंटम हो गया ये, यहाँ हमारा मोमेंटम हो गया ये, और यहाँ हो गया ये, तीनों में मोमेंटम डिफरेंट है। अब मोमेंटम डिफरेंट होगा तो उसकी वजह से टॉर्क भी क्या होगा, डिफरेंट। अगेन रिमेंबर 90 डिग्री जहां पे होगा वहां पे मोमेंटम सबसे मैक्सिमम होगा, ठीक है। समझ आ गई एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्स में क्या डिफरेंस है और क्या नहीं। अब डिफरेंस का पॉइंट सबसे पहला ये, मतलब ये पहले तो मैं आपको समझा दिया दोनों में कैसे फोर्स सेम होने के बावजूद भी मोमेंटम अलग होने की वजह से टॉर्क अलग हो रहा है। अब एक डिफरेंशियल पॉइंट देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये पोजिशन में अपना एल्बो और हैंड रखा है, ठीक है, ये वाली पोजिशन में, तो इस टाइम पे ये दोनों के बीच में एक एंगल प्रोड्यूस हो रहा है। सपोज कीजिए यहाँ पे एक मैंने ऐसे रखा है, चलिए इधर को हम ऐसे रख लेते हैं, ये हमने इस पोजीशन में हाथ को रखा है, आजू बाजू का भी रब कर देते हैं इसको उल्टा, चलिए
यहाँ पे मैंने इस पोजीशन में रखा है, ये मेरा आर्म है और ये मेरा फोर आर्म है, और यहाँ पे सपोज कीजिए 45 डिग्री का एंगल प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ बीच में 45 डिग्री का एंगल प्रोड्यूस हो रहा है। तो क्या हो रहा है, अब 45 डिग्री का एंगल प्रोड्यूस हो रहा है, तो यहाँ अब इसी चीज को मैंने इसी तरीके से ऐसे रख दिया, तो क्या हुआ, एंगल अभी भी 45 डिग्री है, बस मैंने इसको थोड़ा उठा के ऐसे पोजीशन में इसको उठा के मैंने ऐसे रख दिया, एंगल वही का वही सेम है दोनों पोजीशन में, समझ गए आप। पर डिफरेंस क्या होगा, दोनों पोजीशन में ग्रेविटी की फोर्स का ग्रेविटी अलग तरीके से लगेगी, ठीक है। कैसे लगेगी, इसमें देखिए फिगर में मैं आपको समझा देती हूँ। पहले मैंने कैसे रखा था, मैंने पहले ऐसे रखा था, ठीक है, ये हमारा ऊपर का आर्म हो गया, ये हो गया फोर आर्म, और बीच में बन रहा था 45 डिग्री का एंगल एल्बो जॉइंट के। तो पहले मैंने ऐसे रखा था, ठीक है, और यहां पे हमारा बन रहा था 45 डिग्री का एंगल। अब मैंने इसी चीज को उठाकर ऐसे रख दिया, तो अभी भी 45 डिग्री का ही एंगल बनेगा। तो मैंने रख दिया इसको, सॉरी, दोनों पोजीशन में बन तो रहा है 45 डिग्री का एंगल एल्बो जॉइंट पे, पर अब दोनों पोजीशन में आप देखोगे तो ग्रेविटी की फोर्स का अगर वेक्टर बनाई, सपोज ये सेंटर ऑफ मास है फोर आर्म हैंड सेगमेंट का, तो ग्रेविटी की फोर्स का वेक्टर अगर हम बनाएं तो दोनों में एंगल ऑफ एप्लीकेशन तो डिफरेंट है। अब एंगल ऑफ एप्लीकेशन डिफरेंट होगा, उसकी वजह से मोमेंटम डिफरेंट होगा, उसकी वजह से टॉर्क डिफरेंट होगा। मोमेंटम अगर हम देख लें, ये देखिए ये मोमेंटम यहाँ पे इतना है और यहाँ पे मोमेंटम तो इतना बड़ा है, तो मोमेंटम डिफरेंट हो गया, टॉर्क डिफरेंट हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि जब एक्सटर्नल फोर्सेस लगती हैं, जो कि ग्रेविटी की फॉर एग्जाम्पल फोर्स है, तो वो किस पे डिपेंड करती है, उसी सेगमेंट के ऊपर जिसके ऊपर वो फोर्स लग रही है। एंगल तो सेम ही रहा, फिर भी ग्रेविटी की टॉर्क चेंज हो गई, फोर्स भी सेम रही, एंगल भी सेम रहा, सेम पॉइंट पे लग रहा है, सेम सेगमेंट पे लग रहा है, फिर भी टॉर्क हमारा डिफरेंट आया दोनों में। क्यों? क्योंकि दोनों में मोमेंटम तो बदल गया, किसकी वजह से, इस सेगमेंट की वजह से जिसके ऊपर ग्रेविटी की या एक्सटर्नल फोर्स लग रही है। मतलब जब भी एक्सटर्नल फोर्स लगती है तो वो सिर्फ एक पॉइंट पे डिपेंड करती है, उसी सेगमेंट के ऊपर, आजू बाजू के सेगमेंट की पोजीशन क्या है उससे कुछ लेना देना नहीं है। अगर लेना देना होता तो सेम एंगल होने के बावजूद भी फोर्स सेम, अरे टॉर्क सेम रहना चाहिए था, पर टॉर्क बदल गया। क्यों? एंगल तो सेम है फिर भी टॉर्क बदल गया। क्यों? क्योंकि जिसके ऊपर फोर्स लग रही है उसी की पोजीशन चेंज हो गई, ये यहां से यहां चला गया, भले दोनों के बीच में एंगल तो सेम रहा, ठीक है, जबकि इंटरनल फोर्स में ऐसा नहीं होता है। अब कोई मसल की फोर्स की अगर हम बात करें इसी ही पोजीशन में, अगर सपोज मैं मसल के फोर्स की बात करूं, ग्रेविटी का सब मिटा देते, ग्रेविटी का सब मिटा दिया, तो अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये मसल की फोर्स यहाँ पे इस पॉइंट पे लग रही है, ये हमारा मसल का फोर्स हो गया, ठीक है। तो अब इसी पॉइंट पे अगर यहां से फोर्स लगेगी तो इसी डायरेक्शन में लगेगी, फिर वो सीधी नहीं लगेगी, क्योंकि वो है एट द एंड मसल की फोर्स, ग्रेविटी की फोर्स चाहे कैसे भी सेगमेंट हो नीचे की डायरेक्शन में ही लगने वाली, क्योंकि ग्रेविटी हमेशा नीचे लगती है, पर मसल की डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होगी, जिस साइड उसके फाइबर्स होंगे, एनाटॉमिकल पुली में हमने पढ़ा था उसके साइड हम वेक्टर ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे एंगल ऑफ एप्लीकेशन कितना है, ये रहा, और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे भी उतना ही है, और मोमेंटम अगर हम देखें तो यहाँ पे इतना है और यहाँ देखें तो यहाँ पे भी ऑलमोस्ट सेम है। तो एंगल ऑफ एप्लीकेशन दोनों में सेम था, क्योंकि एडजेसेंट जॉइंट की पोजीशन सेम थी। तो जो इंटरनल फोर्स है वो किस पे डिपेंड करती है, वो दोनों सेगमेंट के रिलेटिव पोजीशन पे डिपेंड करती है, सिर्फ उसी पर डिपेंड नहीं करती जिस पे फोर्स लग रही है, उसके आजू बाजू के जो सेगमेंट है वो किस पोजीशन में उस पे भी डिपेंड करती है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या था, ग्रेविटी के और इंटरनल फोर्स के बीच में, एक्सटर्नल और इंटरनल में, एक्सटर्नल फोर्स सिर्फ उसी सेगमेंट पर डिपेंड करती है जिसके ऊपर फोर्स लग रहा है, उससे आजू बाजू के सेगमेंट से कुछ लेना देना नहीं, जबकि इंटरनल फोर्स आजू बाजू के सेगमेंट के साथ उसकी पोजीशन पर डिपेंड करती है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, जो एक्सटर्नल फोर्स है उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हम बदल सकते हैं, कैसे, फॉर एग्जाम्पल हम सबसे इंपॉर्टेंट जो हम
पूरे फिजियोथेरापी में करते हैं। मैं अगर सपोज मुझे यहाँ पे रेजिस्टेंस देना, तो मैं यहाँ से रेजिस्टेंस दे सकती हूँ, यहाँ से रेजिस्टेंस दे सकती हूँ, यहाँ से रेजिस्टेंस, तो मैं रेजिस्टेंस की पोजीशन चेंज कर सकती हूँ ना। ये जो रेजिस्टेंस दे रही हूँ एक्सटर्नल फोर्स का ही पार्ट है। एक्सटर्नल फोर्स कौन से फोर्स? एग्जाम्पल है ग्रेविटी की फोर्स हो गई, आप ये रेजिस्टेंस दे रहे हो, कोई उसको वेट बूट पहना दिया, उसको हाथ में कोई डंबल दे दिया, ये सारे एक्सटर्नल फोर्सेस के एग्जाम्पल है। सैंड बैग यहाँ बांध दिया, यहाँ बांध दिया, तो आप उस फोर्स की पोजिशन आप चेंज कर सकते हो। जबकि इंटरनल फोर्स तो वही लगेगी जहां पे उस मसल का अटैचमेंट है, जहां पे वो मसल अटैच करेगा, जहां वो कैप्सूल अटैच करेगा, जहां वो जॉइंट पोजीशन एक दूसरे के साथ आएंगे, वही जॉइंट रिएक्शन फोर्स लगेगी। इंटरनल फोर्स की पोजीशन आप चेंज नहीं कर सकते। अब आप बोलोगे मैम ग्रेविटी की पोजीशन भी हम चेंज कर सकते हैं जो हमारे पे लग रही है। एक्सटर्नल फोर्स तो समझ आ गए कि एक्सटर्नल फोर्स में ये रेजिस्टेंस का एग्जांपल तो समझ आ गया, ग्रेविटी क्या भी कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। देखिए उसके लिए ये एग्जांपल आप देखिए, ये आपके बुक में एग्जांपल दिया, ये देखिए तीन पोजीशन दिख रही है। ये क्रंचेस हम करते हैं जब हमारे एब्डोमिन्स हमें बनाने होते हैं, मस्त सिक्स पैक बनाने होते हैं, तो हम ये पोजीशंस में करते हैं क्रंचेस सिटअप्स। तो देखिए तीनों एग्जांपल में क्या हो रहा है, ग्रेविटी की जो फोर्स है वो कांस्टेंट लग रही है, तीनों में सेम लग रही है, और पोजीशन भी देखिए ऑलमोस्ट सेम है जॉइंट में, पर तो भी टॉर्क डिफरेंट प्रोड्यूस हो रहा है क्योंकि मोमेंट ऑफ फिर भी बदल रहा है। क्यों बदल रहा है? क्योंकि सेंटर ऑफ मास बदल रहा है। अब इस पोजीशन में देखिए हमें सेंटर ऑफ मास का देखना है, हेड आर्म और ट्रंक ये तीनों का मिला के। अब इस पोजीशन में देखिए उसके हेड के पीछे उसके हाथ चले गए, तो यहाँ पे मास थोड़ा ज्यादा आ गया, तो सेंटर ऑफ मास थोड़ा ऊपर चला गया, तो इसलिए अब सेंटर ऑफ मास में से हमने ग्रेविटी की लाइन पास की तो मोमेंट आर्म की थोड़ी वैल्यू ये आई। अब उसने हाथ आगे कर लिए तो उसका सेंटर ऑफ मास थोड़ा बीच में आ गया, तो मोमेंट आर्म की वैल्यू भी थोड़ी चेंज होगी। अब उसने हाथ और नीचे कर लिए तो सेंटर ऑफ मास और नीचे आ गया, तो ग्रेविटी की लाइन और नीचे चली गई, तो मोमेंटम और कम हो गया। तो जब आप उस पोजीशन ग्रेविटी की फोर्स हमेशा कांस्टेंट रहती जब तक आप उसके मास को कांस्टेंट रखेंगे, अगर आप उसके मास को आगे पीछे करोगे तो ग्रेविटी की फोर्स भी चेंज हो जाएगी, उसका सेंटर ऑफ मास भी चेंज हो जाएगा, उसकी वजह से मोमेंट आर्म भी चेंज होगा। तो इसलिए एक्सटर्नल फोर्सेस में आप चेंजेस बहुत सारे कर सकते हो, अनलाइक इंटरनल फोर्सेस जिसमें आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है चलिए, तो ये दो एग्जांपल हो गए हमारे, डिफरेंस हो गए एक्सटर्नल फोर्स में और इंटरनल फोर्स में। और जो हमारा लास्ट जो डिफरेंस है वो ये है कि जो ग्रेविटी की फोर्स है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है जब तक उस ऑब्जेक्ट का मास कांस्टेंट रह रहा है, जबकि इंटरनल फोर्स थ्रू आउट द मोशन चेंज होती रहती है। मतलब ग्रेविटी, अगर किसी ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटी की फोर्स लग रही है तो वो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगी जब तक उसके उसका 5 kg मास 5 kg ही रहेगा, तब तक उस पर ग्रेविटी सेम ही लगेगी। पर इंटरनल फोर्स किस पर डिपेंड करती है कि वो मसल कितना स्ट्रांग है, वो मसल में कितनी ज्यादा इलास्टिसिटी है, वो सब हम आगे के प्रॉपर्टीज जो मसल की पड़ेंगे उससे हमें पता चलेगा। पर इंटरनल फोर्स की वैल्यू जॉइंट की पोजीशन के साथ साथ थोड़ी चेंज होती रहती है, जबकि हमने इस एग्जांपल में कांस्टेंट ली थी, जो कि पॉसिबल नहीं है, वो चेंज होती रहेगी डिपेंडिंग ऑन मसल की लेंथ कितनी है, लेंथ टेंशन रिलेशनशिप आता है, मसल के स्ट्रेंथ पे आता है। ठीक है, तो ये हमारा एक डिफरेंस पॉइंट हो गया एक्सटर्नल फोर्सेस के बीच में और इंटरनल फोर्सेस के बीच में। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया हो। कोई डाउट्स हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।